ठीक है, कोई डाउट है, कोई होमवर्क दिए थे? डाउट तो वैसे होना चाहिए अगर क्वेश्चन बनाओगे तो, ठीक है। और तो निवेश के बाद आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल इस सर चैप्टर समझाइएगा, आए चैप्टर समझाइएगा। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े हैं ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना सर? हम नहीं, नहीं नहीं लास्ट क्लास मतलब क्लास 7, नहीं ठीक है, बता देता हूँ। हाँ शुभजीत, होमवर्क किए थे? होमवर्क किए? कोई डाउट है? हेलो हेलो, हाँ होमवर्क किए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, होमवर्क किए? हाँ ना बोलो। हाँ सर, कर लिया है? ओके, सब बन गया? नहीं सब नहीं बना। अच्छा बहुत सुंदर। नहीं बना भाई, अब तो इजी था। कौन सा नहीं बना बताओ तो, क्वेश्चन अगर है तो बोलो तो बनाते बनाते बोलो। सर रुकिए, निकालने दीजिए। मेरे थोड़ा और करवा दे फिर, क्या प्रॉफिट लॉस? ये अभी आप लोग कुछ बन नहीं रहा है। अच्छा छोड़ो, उसको डिस्काउंट कर दो, उसे प्रॉफिट लॉस का छोटा पार्ट है, डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट। ये बच गया था, डाउट है तो बोलो, तो डिस्काउंट पढ़ाते हैं हम। छह क्या भाई पढ़ाई जब जो सिंपल करता हूँ, ठीक है चल। तो तुम लोग ऐसे ही खाली क्लास कर रहे हो, है ना? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉफिट लॉस का ही एक्सटेंशन वाला चैप्टर है, ठीक है? अब जब ये खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए क्या है, इस वाले क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही रहता है, बस क्या करता है कुछ डिस्काउंट देता है। इसमें सेलिंग प्राइस भी आता है, कॉस्ट प्राइस आएगा जिस प्राइस पे कस्टमर परचेस किया, सेलिंग प्राइस आएगा जिस जिस रेट पर कस्टमर सेल किया, और एक नया चीज आ जाता है मार्क प्राइस, है ना? मार्क प्राइस आ जाता है, ये है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये क्या होता है भाई? कुछ नहीं, मान ले कोई चीज आइटम मॉल में आते हैं तो कुछ मार्क रहता है ना, फिर वो जो डिस्काउंट आदमी जो देता है ना, वो हमेशा किस पर देगा? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देता है। मेरा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? हमेशा मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो उससे ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग सिंपल क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं।
इसमें आज इसको थ्योरी वगैरह नहीं, ठीक है। अच्छा तो अगर इस पे मेरे को मिला तो मेरा भाई जितना का सामान था मतलब मार्क कितना था, फिर इसी पर डिस्काउंट मिलता है 10%, 20%, 30%। तो इसको डिस्काउंट मिलेगा तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट क्या कर देंगे है ना, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो ये वाला टर्म है ना सेलिंग प्राइस, ये देखो रिलेटिव वाला टर्म है। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव का मतलब आपके लिए कस्टमर के लिए अलग होगा, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अलग होगा, लेकिन जो सेलर है जो इन चीजों को बेच रहा है ना उसके लिए इस केस में उसके लिए ये वाला मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा कैसे, जब क्वेश्चन करने लगेंगे तब से आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। बस ध्यान रखना ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये जो सेलिंग प्राइस बेचा ये कौन बेचा, ये जिसका दुकान जो सामान को बेच रहा है, ठीक है, जो इसको लगा कर रखा है मार्क प्राइस में। कहते हैं ना कपड़ा जींस लगा रहा था जी, ऐसा लगा था ना 2000 का जींस है ना। अब 2000 का जींस है, इसको एग्जांपल समझाते हैं। 2000 के जींस में वो बोला ना सर इसमें 20% का ऑफर चल रहा है, 20% का ऑफर चल रहा है मतलब 20% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। मतलब आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो ध्यान से देखो 2000 में तो नहीं लगेगा, 2000 से कम लग गया, करेक्ट। 20% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा जी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना हो गया 400 रुपया हो गया है ना। देख लो 20 into 20 कितना हो गया 400 रुपया हो गया। अब 400 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ध्यान से देखो तो आपको कितना जींस मिलेगा, आपको मिलेगा 2000 में नहीं, 2000 से 400 रुपया हो जाएगा डिस्काउंट। अब ये ही 1600 रुपया, 1600 रुपया आपके लिए क्या कहलाएगा, आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, ठीक है, आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। लेकिन जो दुकानदार इसको बेचा है वो इसके लिए क्या कहलाएगा, उसके लिए ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। समझ में आ रहा है, आपका कॉस्ट प्राइस और दुकानदार का सेलिंग प्राइस दोनों क्या है, सेम है। तो ये सब क्या है, रिलेटिव है, ये रिलेटिव के आधार पर देखते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपए, लेकिन जो दुकानदार इसको सेल कर रहा है उसके लिए क्या, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे। कुछ इसमें यार थ्योरी वगैरह नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अच्छे लिखते हैं, है ना। एक फैन है, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, मैसेज लिख रहा हूं मैं, मार्केट प्राइस इसका फैन का, फैन का मार्क प्राइस है 1250 रुपए, 1250 रुपए, ठीक है। शॉपकीपर अलाउ, अब शॉपकीपर ना इसमें डिस्काउंट दे देता है। शॉपकीपर क्या बोलता है, लो भैया इस पर डिस्काउंट लो, कितना परसेंट डिस्काउंट है जी, 6%, इस पर कितना 6% का डिस्काउंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन क्या होगा, सिंपल सा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सर क्या है, मार्क प्राइस है, इस पर ये क्या किया, 6% डिस्काउंट किया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मैं सीधा लिखता हूँ सेलिंग प्राइस, देखो ये सेलिंग प्राइस का 1250 तो आपको नहीं दे रहा है, 1250 आपको क्या दे रहा है, कम दे रहा है, कम दे रहा है। तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे भाई, 6% डिस्काउंट चल रहा है ना, तो 6% किस पर, 6% 1250, क्लियर, ठीक है। अच्छा हम इसको देख लो ऐसे भी लिख सकते थे, 6% क्या हो गया, ये हो गया। आप लोग कॉमन लेना आता है, कॉमन लेना आता है, तो 1250 यहाँ भी है, 1250 यहाँ भी है, तो 1250 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1, फिर माइनस ही माइनस, 1250 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा 6/100। थोड़ा ये फेमिलियर लग रहा है, इस टाइप का हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज से पढ़ते आ रहे थे। अगर बढ़ा देते हैं तो 1+something/100 करते हैं, घटा देते हैं तो 1-something/100 करते हैं, ये तो फेमिलियर दिख रहा है ना, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, क्लियर, क्लियर, ठीक। मैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर, चलो
ये हो जाएगा आपका, और उसके टेबल में कह रहे 5 पे टेबल में कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3, कितना हो गया अभी 25 75। तो 1250 में कितना माइनस हो गया 75, तो कितना था 1175। ये उसका सेलिंग प्राइस होगा जिस रेट में दुकानदार इसको बेच दिया। क्लियर? ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते तो भी यही आता, घट रहा है ना रेट, कितना घट रहा है 6% घट रहा है, तो किसी से घट रहा है तो 1 माइनस समथिंग बाय 100 उस पर लगा के, अगर बढ़ रहा है तो 1 प्लस समथिंग बाय 100। अगर मैं देखो इसको भी कैलकुलेट करूँ, इसको भी कैलकुलेट करूँ तो भी वही ही आता है। एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 3 कितना जाएगा 47/50। ठीक है, तो 50 के टेबल में काट रहा हूँ, 25 बार है ना, 25 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 23/11/75। देख लो बिल्कुल एज इट इज आया है। ठीक है, समझ में आया? लिख लो प्रॉ डिस्काउंट है, प्रॉ डिस्काउंट ठीक है, लिख लिया ओके। बच्चों याद रखना, रिवीजन इज द की, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार अच्छी बात रहेगी, रिवीजन ही एक की है, एक बच्चे को टॉपर को एवरेज से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ऐसा करो आप लोग वीक में ना ऐसा एक दिन रखो कि आज हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, संडे वाले दिन आप लोग क्या रखो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जो जो वीक में पढ़ा है एक दिन तो होना चाहिए, और उसके बाद तो ऐसे बहुत है तरीका, लेकिन एक दिन आपको वीक में रिवीजन का रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखना है। ठीक है, चलिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे भाई, देखो लिख रहा है अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन को क्या करता है, वो परचेस करता है ना फॉर कितना रुपीस में, 7,660 रुपये में। ठीक है, एंड ही अलाउज अ डिस्काउंट, चलो इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, जो डीलर है वो खुद इतना रुपये में खरीदा है, आपके निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ा के रेट रखेगा और बोलेगा सर हम देखो इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बढ़ा के रेट रखता है उसको क्या कहेंगे, मार्क प्राइस हो सके। तो ये डिस्काउंट देने के बावजूद भी है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 12% के बावजूद भी ही स्टिल ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर वो कितना परसेंट दिया डिस्काउंट, 12% दिया, फिर भी उसको कितना प्रॉफिट हुआ, फिर भी उसको 10% प्रॉफिट हुआ, ही लिख रहा हुआ स्टिल Still gains 10%, इसके बावजूद भी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मार्क प्राइस क्या होगा, उस मशीन का मार्क प्राइस क्या है। देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीलर को इतना में खरीदा, वो डीलर के लिए है, अब क्या करे, इतना में खरीदा थोड़ा बढ़ा दिया रेट, बढ़ा के बोला देखो हम इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देने के बावजूद भी इस आदमी को 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होगा वैसे, होगा ना प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो उसको इस पर अभी भी 10% का प्रॉफिट हुआ है। ओके सर, हाँ ठीक है ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, कितना रुपए है ना, और वो आदमी इसको फिर भी इस आदमी को कितना होता है गेन, प्रॉफिट होता है ना, कितना का प्रॉफिट होता है बच्चों, 10% का प्रॉफिट होता है इसके बावजूद भी, तो वो इसको कितना में बेचा होगा,
समझ में आ रहा है? वो इसको कितने में सेल किया होगा, कितने में सेल किया होगा? अच्छा अच्छा 10% प्रॉफिट हो रहा है इसका, 10% प्रॉफिट, इसका 10% निकाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हो। तो भैया तो उसके लिए कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ फेवर, रिलेशन यह था ना, क्या था? अगर यहाँ एसपी होगा, अगर यहाँ पर एसपी होगा है ना, और यहाँ पे क्या है सीपी, यहाँ क्या करेंगे? ऊपर क्या होता है 100+ प्रॉफिट परसेंट या 100-लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है, याद आ रहा है? तो कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? 10% का, तो 110+10 कितना हो जाएगा? 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, कितना हो गया? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर 776 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला डिजिट लिख दिया, हाँ सर, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 6+6 कितना गया 12, 12 का 2 हाथ बचा 1, फिर इन दोनों जोड़ो 13, 13, 14 हाथ बचा 1, फिर अकेला आ गया ये 7 और 1, ठीक है, ये हो गया भाई उसका सेलिंग प्राइस। मतलब वो आदमी कितना में क्या बोल रहा है आपको, क्या निकालना है? फॉर्मूला सीखे, वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी आप लोग बच्चे तो इसके फॉर्मूला वगैरह है ना, ये क्या था सेलिंग प्राइस, क्या था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना अभी हम लोग सीखे ना, ठीक है। तो भाई मार्क प्राइस हमको पता नहीं, तो अभी इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 12% का, है ना, 12% ऑफ एक्स, क्लियर क्लियर। और अभी हम लोग निकाले सेलिंग प्राइस कितना, 8426, कितना 8426। अगर आप देखोगे तो ये 6 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, ये कट गया 2 के टेबल में फिर से, तो क्या होगा एक्स माइनस 3x-25 इज इक्वल टू क्या होगा 8426। तो अगर आप एलसीएम लोगे 25 और 1 का एलसीएम 25, यहाँ हो जाएगा 25x-3 = 8426, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करना, चलो समझ में आ रहा है ना, यहाँ रखकर चलो। अगर आप ध्यान से देखोगे, आई होप आपको दिख रहा हो, आई होप आपको दिख रहा हो, तो 11 का टेबल से कटेगा, है ना, 11 का 2 टाइम्स में कटेगा, 11 का टेबल से कटेगा, ये 7 टाइम्स, फिर 7 आया, फिर 6 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 का टेबल से कितना कटा, 3.5, 8, 3, ठीक है, तो 383 × 25 हो गया, यहां से x क्या हो गया भाई 383 × 25, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हो जाएगा 9575, ये हो गया मेरा मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस में वो बोलता है 12% डिस्काउंट देता है, इसके बावजूद भी उसको कितना का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है, बोलो, आना नहीं आ रहा तो बोल दो, तुम ही सोचो ना, वो आदमी इतना में खरीदा, इसके बाद भी उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, तो भाई तो वो कितना में उसको कम से कम मिला होगा, इतना तो मिला ही मिला होगा, प्लस इस पर 10% मिला होगा ना, बोलो मिला होगा नहीं मिला होगा, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों सेम ही है, ठीक है, इसमें देखो जुड़ गया, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8426,
छितना 12 तो बचा एक 14 अब इतना कब है जब उसको वो इतना मिल रहा कब दे रहा जब उसको 12% का डिस्काउंट दे रहा ठीक किसी पर 12% डिस्काउंट देने पर उसको कितना मिल रहा है इतना ठीक है इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे मार्क प्राइस तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है जी 12% का डिस्काउंट दे रहा है तब जाके वो कितना रुपया हो रहा है इतना रुपया हो रहा है चाहे ये कैलकुलेट करो चाहे ये कैलकुलेट करो दोनों सेम है समझ में आ रहा है ठीक है यहां से ये मार्क प्राइस निकल जाए लिख लिया इतना आंसर है 9575 देखो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता है इसलिए फिर भी कोशिश करो एंड ये 25s माइनस 3/25 किसको काटे हैं क्या जी ये वाला हाँ क्योंकि एलसीएम लिया और कुछ नहीं इसे सॉल्व किया है ठीक है देखो ये देखो 25 वन का एलसीएम 25 हाँ सर फिर इसको उसको डिवाइड करते हैं ना इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 3 ये हो जाएगा 22x बाय 20 ठीक है या आप अपने से काट वोट सकते हो ठीक है डायरेक्ट यहां से सीख लीजिए लिख लो x = 9570 देखो आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो यही ही आंसर आएगा अच्छा हम क्या बोले थे सिखाए थे किसी चीज पे अगर डिस्काउंट हो रहा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस समथिंग बाय 100 और प्रॉफिट हो रहा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस समथिंग बाय तो मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट है ना मार्क प्राइस पे x = उस पे क्या है 12% डिस्काउंट है 1 माइनस 12 बाय 100 और डिस्काउंट होने के बावजूद कितना आ गया अमाउंट हो गया इतना हो गया इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही ही आंसर आएगा 9570 ठीक है साइड में आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्या है मेरा इस केस में एस है मेरा ये मार्क प्राइस क्या है मार्क प्राइस चलिए ठीक है ओके देखिए आई होप समझ में आया ठीक है समझ में आया ठीक है चलो तो इसी टाइप का बिल्कुल एक और क्वेश्चन लेंगे मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा लिख रहा है हाउ मच परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो कितना परसेंट रखेगा शुड अ शॉपकीपर Mark his good. So that after allowing a discount of 25% on mark price, he gains 20%. उसको कितना परसेंट का फायदा हो रहा है 20% बिल्कुल पिछला ऐसा टाइप क्वेश्चन है बस इसमें कुछ पहलू बोलो नहीं दिया है देखो ध्यान से देखो एक होता कॉस्ट प्राइस अब क्या करना चाहता है वो आदमी दुकानदार इस पर ना रेट बढ़ाना चाहता है
बढ़ाना चाहता है, इतना बढ़ा दिया उसको मार्क प्राइस के, ताकि वो रेट बढ़ा के चिपका दिया और बोल रहे हैं कस्टमर को, बोलेगा देखो आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देने के बावजूद भी जब रेट कम होगा ना तो इसको देखो प्रॉफिट ही होगा, तो क्या होगा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 25% ही स्टिल गेन्स 20%। 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखो इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप क्या कर लो ना, आप मान लो ना, चलो आप मान लो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 बट आउट, लेकिन उसको अल्टीमेटली कितना का फायदा हो रहा है जी बताओ तो, उसको अल्टीमेटली कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अरे तो उसको कितना मिलेगा, 100 तो मिलेगा प्लस 20% इसके ज्यादा मिलेगा ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कौन बताएगा, 100 तो मिलेगा प्लस इसका 20%, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 120 रुपया कब मिला उसको, जब वो कितना का डिस्काउंट दिया जी, 25% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसको कितना मिल गया, 120 रुपये मिला, ठीक है। तो दो तरीका ऐसा बताते हैं, पहला तरीका ये था कि एसपी इक्वल टू याद है क्या था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, याद आ रहा है अभी हम लोग सीखा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 120 हुआ, यही हमको निकालना है इसका मार्क प्राइस कितना होगा, ठीक है। मार्क प्राइस निकाल लेते थे, माइनस कितने का डिस्काउंट देता है, 25%, ठीक है। मार्क प्राइस को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, तो 25% किस पर डिस्काउंट मिलता है, वैसा मार्क प्राइस पे मिलता है। यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर लो, ये जगह 1/4, ध्यान से देखना, ये जगह एक्स माइनस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 है ना। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 120, अगर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3x/4, सॉरी 3 से कट गया कितना, 40 times 140, एक्स का वैल्यू कितना हुआ, सॉरी 160, समझ में आया कितना हुआ, मतलब मार्क प्राइस कितना है 160, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर बच्चों, क्लियर। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन पूछा कि अब 100 रुपए का सामान वो कितना चिपका दिया, 100 रुपए का सामान वो कितना चिपका दिया, 160 रुपए, तो मतलब कितना रुपए बढ़ा दिया, 60 रुपए बढ़ा के, तो अब बोल रहे हैं इस पर आपको डिस्काउंट दे रहे, ठीक है। तो हाँ, ये लेकिन क्वेश्चन बोला है कितना रुपया बढ़ाया नहीं है, उसको कितना बढ़ाया उसको किसमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो बताओ मुझे 100 रुपए का चीज को वो कितना रुपए बढ़ा कर दिया, 160 रुपए, तो भाई इसको कितना परसेंट बढ़ाया, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया, यही आपको बताना है कितना परसेंट वो इंक्रीज किया है। बताओ कितना बढ़ा दिया, दोनों का डिफरेंस ना 60 रुपए बढ़ा दिया सर, किस पर बढ़ाया, किस पर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, डिवाइड हमेशा ओरिजिनल होता है, इंटू क्या कर देना 100, तो मुझे दिख रहा है 60% इंक्रीज किया, ठीक है 60% को इंक्रीज कर दिया अपना उसका। तो जब ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं दिया कितना रुपये खरीदा वगैरह वगैरह, सिर्फ उसे परसेंटेज वगैरह में दिया है, तो हम लोग याद रखना 100 रुपए लेके कैलकुलेट चला सकते हैं, या कुछ भी एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में सारा बात किया, तो हम लोग 100 रुपए में कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ठीक है। हम लोग मार्क प्राइस को इसमें क्या ले लिए, एक्स लिए, तो 100 रुपए का सामान को देखो 60 रुपए चिपका रहा है, तो भाई 100 रुपए सामान को अगर 11 रुपए कर देगा तो कितना परसेंट इंक्रीज करके बढ़ा के दिखाया, वो 60% का इंक्रीज करके दिखाया, लिख दिए। लिख लो सुबोधित, समझ में आ रहा है, यस सर।
लिख लीजिए। लिखना होगा तो बिठा रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे ही रहता, जैसे मान लो 200 रुपया रहता, ठीक है, 200 रुपया वो चिपकाया था 250 रुपया, तो क्वेश्चन रहता कितना परसेंट का इंक्रीज किया, कितना परसेंट इंक्रीज किया, परसेंटेज का साइन है इंक्रीज, तो ये कितना होता हमेशा याद रखना है, कितना का इंक्रीज किया डिवाइड हमेशा क्या होता, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से सीपी रखते हैं, इंटू क्या करते हैं 100। कितना रुपए का इंक्रीज किया, 200 से 250 कर दिया तो 50 रुपया बढ़ा दिया सर, किस पर बढ़ाया, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू 200 इंटू क्या कर देना 100, कितना होगा 50 के टेबल में 4 टाइम्स क्या हो गया, ये 25% का इंक्रीज कर, ठीक है 25% बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे भी एग्जांपल ऐसे इस टाइप का आपको बताए हुए हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो क्या लिख रहा है, फाइंड करना है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू, विच इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट, अच्छा आपको बताओ, ऑफ 20% एंड 10%। अच्छा अगर अगर दुकानदार आपको एक बार 20% देता है और एक बार 10% डिस्काउंट देता है, एक बार 20% दिया फिर जो अमाउंट आया उस पर फिर 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब दुकानदार आपको ओवरऑल कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, एक बार 20% का दिया, एक बार फिर 10% का दिया, तो ओवरऑल कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, ये जो दो अलग अलग परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है ना उसको बोल रहा है 30% का, नहीं नहीं ध्यान रखना ये बिल्कुल गलत, 30% नहीं होता है, 30% नहीं दिया, इसका मतलब 20% और 10% का एक्यूमुलेटिव 20-30% नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है पहले बता दे, याद है इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, किसी आइटम को 10% बढ़ाओ फिर 10% घटाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम रहा गया, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, तो आंसर आया था -1%, याद आ रहा है, सेम चीज बढ़ाया फिर सेम चीज परसेंट घटाया, आप पहली बार कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जी, खूब हराम हो, एक बार कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, पहला सेलिंग प्राइस कितना होगी, डिस्काउंट क्या स्टार्ट कर देगा माइनस 20% ऑफ 100, दिख रहा मुझे 100 में 20 घट गया तो कितना 80 रुपये, ठीक है क्या हो गया 80 रुपये हो गया, अब यही कारण है 30% नहीं होता, क्यों, अब जो डिस्काउंट आएगा ना 10% वो किस पर आएगा,
ये 80 पे आ रहा है और 80 तो बेस चेंज हो रहा है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 80। समझ में आ रहा है? अब सेकंड जो डिस्काउंट दिया, सेकंड डिस्काउंट क्या दिया, इस पर दिया है 10%। इस पर 80 पर 10% दिया, तो 80 का हम लोग 80 तो रहेगा, डिस्काउंट दे रहा था, क्या करेंगे माइनस करेंगे और इस पर हम लोग 10% निकाल लेंगे, 80 पर 10%। ठीक है, कितना हो गया जी 80, आया सब कट सके क्या बचा, कितना बच गया 72। समझ में आया? तो 100 रुपए में पहला 20% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 80 हो गया, फिर इस पर 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 72, 72। तो 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान कितना हो गया 72 हो गया, घट गया ना, 100 रुपीज का वर्थ टोटल कितना हो गया 72 हो गया। कितना परसेंट घटा, 30% घटा क्या 28% घटा, 28% घटा ना। तो ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट अगर निकालना हो है ना, तो कितना हुआ भाई, कितना का डिक्रीज हुआ, डिवाइड हमेशा क्या होगा 100, क्योंकि बेस यही है, इनटू 100। तो कितना का डिस्काउंट हुआ 28 रुपए का, इस पर 100 रुपए इंटू 100, तो कितना हुआ इसका 28%, 30% नहीं हुआ, ध्यान रखना। क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था, यहाँ पे इसका बेस चेंज हो गया था। है ना, दो अलग अलग डिस्काउंट दो, 20% 10% या फिर एक डिस्काउंट दो कितना परसेंट 28%, दोनों सेम बात हुआ, 20% 10% एक बात, या फिर एक बार में सीधा दे दो कितना 28%। ठीक है, ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। यस सर। चलो एक तो क्वेश्चन आप लोग बनाओ, एक क्वेश्चन चलो आप लोग बनाओ, बना के भी आंसर बताओ। ठीक है, यही क्वेश्चन इसी टाइप का कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तीन बार अलग सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, इस केस में एक नहीं दे रहे, दो दे रहे, तीन दे रहे, एक बार 20% डिस्काउंट दिए, एक बार फिर 10% डिस्काउंट दिए, एक बार फिर जितना है उस पर फिर 10% डिस्काउंट। इस तीन सक्सेसिव डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इसको किसमें करना है, सिंगल डिस्काउंट, जिस तरह से पिछले बार क्वेश्चन किए थे ना वही वाला कन्वर्ट, ये तीन सक्सेसिव अलग अलग डिस्काउंट दो या फिर सिंगल डिस्काउंट दो, सिंगल डिस्काउंट देने इतना बराबर रहेगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था क्या 20% 10% दिए तो कितना आया था 28%, एक बार में सीधा 28% दे दिया, दो देने की जगह क्या दे दिया एक दे दिया, इस बार हम एक बार आपको तीन दिए, गलती से भी इसका आंसर 40% नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये अलग तीन को दो या फिर सिंगल एक को दो, वो कितना होगा बताओ। चलो ये बनाओ, वैसे ही लेंगे और लोग सीपी कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे। चलो बनाइए, तो बना नहीं रहे, बनाओ, आयुष अगर आप भी हो तो आप भी उसको बनाइए।
बनाओ, कितना आ रहा है आंसर बताओ। देखो आयुष बनाओ, इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा, इसका आंसर देखो इतना हो जाएगा, या तो फिर इतना अलग अलग डिस्काउंट दो या फिर एक डिस्काउंट दे दो, यह दोनों बराबर है। देखो तो आंसर आया, देखो हुआ नहीं हुआ तो बोल दो, नहीं हो रहा है सर तो कितना आ सकते, देखो 20% 10% तो हम ले ही गए थे है ना, जब 20% का डिस्काउंट दिया थे ना, कितना आया था 80 आया था ना, 80 आया था, हाँ सर आया था, फिर इस पर 10% का फिर क्या दिए थे डिस्काउंट दिए थे, इसका 10% निकाला कितना निकला था 8 निकला था, तो 72 था तो सेम ही होगा, 72 था क्या होगा सेम होगा, अभी 72 पे फिर आओ कितना डिस्काउंट पड़ेगा 10% डिस्काउंट पड़ेगा, 72 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना 10% किसका 72 का है, ठीक है कितना आ गया, ये आ गया देखो 7.2, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64.8, क्लियर क्लियर, 72 तक तो हम लोग ला ही गए थे पिछला क्वेश्चन में, ये आ गया, तो मुझे बताओ 100 रुपए का सामान अब कितना हो गया 64.8 हो गया, कितना घट रहा है, कितना परसेंट घट, कितना घट रहा है तो 35.2 घट रहा है बस, कितना परसेंट अगर सिंगल डिस्काउंट अगर रखोगे तो कितना आएगा जी 32.2 घटा तो, और डिवाइड क्या होगा वैसे 100 × 100 बस इतना परसेंट का डिक्रीज होगा, तो अगर आप इतना अलग अलग डिस्काउंट दो या फिर सीधा एक डिस्काउंट ही दे दो, दोनों बराबर है, एक्यूमुलेटिव डिस्काउंट दोनों बराबर है 35.2%, इतना सिंपल था। लिख लीजिए सिंपल था, बन जाना चाहिए था। चलो तो जी खुद बना तो ऐसे कि 960 रुपया का स्वीट पता है कितना हो गया 816 रुपया हो गया, इतना का मिठाई इतना रुपया हो गया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया निकालो, तो अभी निकाल के बताओ, इतना सिंपल सा है, इतना जैसे बता रहे हैं कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, इतने रुपए के मिठाई इतने रुपए में वो सोल्ड किया, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया बताओ, तो ये हमने बताया। चलो
कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 960 रुपए का इतना रुपया हो गया मिठाई, तो डिस्काउंट दिया होगा ना, तो रुपया में कितना का डिस्काउंट है? 144 रुपीज का डिस्काउंट दिया रुपीज में, लेकिन इसी को परसेंटेज में निकालना है। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं पढ़ रहा आप लोग, तुरंत बता देना चाहिए था। अभी सिखा, हम देखना चाह रहे जो सिखा रहे हो सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे। चलिए वैसे से टाइम पास, बताओ नहीं बताएंगे। बताओ सुभजीत, आयु क्या होता है? छोड़ दो छोड़ दो, लिख के बता सकता मैसेज टाइप करके। 960 रुपए का 6000 रुपए हो गया। कितना का डिस्काउंट दिया वो निकालना, डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है ना, इनटू क्या होता है हमेशा 100। कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, तीन दोनों क्या करेगा माइनस करेंगे। जब 960 में अगर आप 816 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है? 144 हो जाए। डिवाइड हमेशा किस होगा? ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 960 इंटू क्या हो गया 100। बस कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? कैलकुलेट कर 24 का टेबल में ये मुझे दिख रहा है 4 times, 24 का टेबल में ना 48 ये 6 times, ठीक है? फिर ये 3 times, फिर ये 2 times, कितना हो गया? 30/2 हो गया, दैट इज 15% का डिस्काउंट आया था। ये 15% का डिस्काउंट, सिंपल है। चलो ये ट्राई करो सिंपल सिंपल। अच्छा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेने से अच्छा आप सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन ले जाए ताकि समझ में आए, ठीक है? तो भैया एक जींस, जींस का इतना रुपए कॉस्ट था, जींस का कॉस्ट इतना था 546 रुपए। अब वो उसमें डिस्काउंट दे देता है। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं लिखा है, नंबर पे लिखा है। उसको बोलता है ना आपको हम 104 रुपए क्या करते हैं डिस्काउंट हटा देते हैं। इस पर आप 104 रुपए क्या करते हैं हटा देते हैं। ये जो है जो डिस्काउंट लिखा है इसका ही यही जो नंबर लिखा है जो वैल्यू दिया है इसका परसेंटेज में निकालना है, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट, इतना रेट ऑफ डिस्काउंट होगा। बिल्कुल हो गया आसान। तो डिस्काउंट निकालना है ना कितना परसेंटेज में निकालना, नंबर पे दिया तो डिस्काउंट अगर परसेंट निकालते हैं क्या करते, कितना का डिस्काउंट दिया डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100।
कितना रुपए का डिस्काउंट दिया भाई? 104 रुपए का डिस्काउंट दिया। इस पर डिस्काउंट दिया भाई 546 पर डिस्काउंट दिया। इंटू क्या करते हैं 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा डेसिमल वगैरह में आएगा ये, है ना? तो ये फिर डेसिमल में आएगा तो मैं देखता हूँ कितना आता है, 50% कितना, सॉरी 10% हो गया, कितना इतना 108.20% हो गया, 20% हो गया 109.2, कितना 5.2 घटाना था, 5.2 रिड्यूस करना था, 5.3% 18.9 या फिर 19% के आसपास। ठीक है, तब उस कैलकुलेट करना। ठीक है, लगभग लमसम इतना परसेंट, 19% के आसपास डिस्काउंट दिया। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो दो गो, ताकि घर में कुछ करो आप लोग। क्या है भाई, देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल इसी टाइप का है। क्या लिखा है? और डीलर, वही डीलर है, बॉट अ रेफ्रिजरेटर। अब वो क्या खरीदता है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना में? इतना 11,515 रुपया। ठीक है, 11,515 आफ्टर अलाइंग अ डिस्काउंट। बिल्कुल क्वेश्चन किया हम लोग बिल्कुल ऐसे ही, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट। अगर एक डिस्काउंट वो देता है कितना कस्टमर को? 16% देता है। ठीक है, 16% इस पर नहीं देगा, इस पर देगा ऑन मार्क प्राइस। ऑन मार्क प्राइस ही स्टिल गेन्स, ही गेन्स कितना परसेंट गेन करता है जी? 20% का गेन करता है। तो वो उस रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस क्या? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन किए हुए, तो कितना गेन करता है? 20% गेन करता है। तो क्या कर लोगे इसका? 20% निकाल दोगे इसका, ऐड कर। ठीक है, ठीक है, और मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट था? इतना देता है। मार्क प्राइस एक्स लेना, ये वाला फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा जी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना? इसको एक्स लेना, 16% ऑफ एक्स ऐसे कर लेना, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा? वो यही वाला आएगा। क्या करते हैं इस पर 20% क्या कर देना? ऐड कर देना, क्योंकि गेन होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? मतलब ये प्लस 20% ऑफ 20% ऑफ सेल। जब इसको आप निकालोगे यहाँ पे एसपी पे रख देना, यहाँ से मेरा मार्क प्राइस मेरा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पूछेंगे हम बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, चलो, हाउ मच परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस, हाउ मच परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस should a shopkeeper marks his goods so after allowing a discount of 10% on mark price he gains, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, he gains 8%। ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया हम लोग, उसे 100 रुपया करके ले लेना, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, 100 रुपीज ले। बोल रहा है कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखे कि डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 8% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना का प्रॉफिट होगा? 8% का प्रॉफिट। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना का प्रॉफिट होगा? 8% का प्रॉफिट। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट? दोनों क्वेश्चन हम करवाए हैं क्लास में, आज के ही क्लास में करवाए हैं।